तो हाय गाइस, मैं हूँ लकी सरोप और आप देख रहे हैं एल एसी। तो आज हम लोग सीखने वाले ब्लू एंड ग्रीन इफेक्ट लाइटरूम के साथ से, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो इसी एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें आगे आने वाले ऐसे एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइटरूम को ओपन करेंगे। लाइटरूम ओपन हो जाने के बाद फोटो ऐड करने के लिए हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। फोटो ऐड हो जाने के बाद ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे। फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो एडिटिंग वाले ऑप्शन आ चुके थे, चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटो सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इस फोटो की लाइटिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग कलर्स में आएंगे। कलर्स में आने का टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे -7, टिंट को इंक्रीज करेंगे +6, सैचुरेशन को भी इंक्रीज करेंगे +50। एंड नेक्स्ट जाएंगे हम लोग मिक्स टूल्स में। मिक्स टूल्स में आने के बाद ह्यू को इंक्रीज करेंगे +19, सैचुरेशन को डिक्रीज करेंगे -13, लुमिनस को इंक्रीज करेंगे +9। एंड नेक्स्ट जाएंगे ऑरेंज में। ऑरेंज में आने के बाद ह्यू को डिक्रीज करेंगे -4, सैचुरेशन को भी डिक्रीज करेंगे -30, लुमिनस को इंक्रीज करेंगे +31। नेक्स्ट आएंगे येलो कलर में। येलो कलर में आने के बाद ह्यू को इंक्रीज करेंगे +14, सैचुरेशन को भी इंक्रीज करेंगे +69, लुमिनस को इंक्रीज करेंगे +28। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग ग्रीन में। ग्रीन में आने के बाद ह्यू को इंक्रीज करेंगे +72, सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे +100, लुमिनस को भी इंक्रीज करेंगे +35। एंड नेक्स्ट जाएंगे हम लोग ब्लू में। ब्लू में आने के बाद ह्यू को डिक्रीज करेंगे -60, सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे +29, लुमिनस को डिक्रीज करेंगे -23। एंड नेक्स्ट जाएंगे हम लोग पर्पल कलर में। पर्पल कलर में आने के बाद ह्यू को इंक्रीज करेंगे +51, सैचुरेशन को भी इंक्रीज करेंगे +48। एंड ऊपर से हम लोग डन करते हैं। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद टेक्सचर्स को इंक्रीज करेंगे +11, क्लियरिटी को भी इंक्रीज करेंगे +26, डीज को इंक्रीज करेंगे +8, विग्निट को डिक्रीज करेंगे -40, मिड पॉइंट को भी डिक्रीज करेंगे 40, फेदर को इंक्रीज करेंगे +80। एंड नेक्स्ट जाएंगे हम लोग डिटेल्स में। डिटेल्स में आने के बाद शार्पनिंग को इंक्रीज करेंगे +31, नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज करेंगे फेस स्मूथनिंग के लिए +10। एंड नेक्स्ट जाएंगे हम लोग लेंस में। लेंस में आने के बाद रिमूव क्रोमेटिक एबेरेंस को ऑन कर देंगे। इनेबल लेंस करेक्शंस को भी ऑन कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, जूम करके दिखा दे रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव टू डिवाइस पर क्लिक करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।